नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में असिस्टेंट स्टोर मैनेजर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रिटेल के अंदर वो देखने वाले हैं। जैसे कि रिलायंस स्मार्ट पॉइंट है, रिलायंस स्मार्ट बाजार, उसके अलावा डी मार्ट, स्टार बाजार, जितने भी वैल्यू फॉर्मेट है उसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है स्टोर मैनेजर का या फिर असिस्टेंट स्टोर मैनेजर का। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं दोस्तों जो कि मेरे वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। ये चीजें आपको किसी भी गूगल पे या फिर कहीं पे भी बुक वगैरह में कहीं नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकली ये पॉइंट्स बनाए हैं जो कि काफी मेहनत लगा है दोस्तों। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दोस्तों स्टोर मैनेजर का, किसी भी स्टोर को स्मूथली ऑपरेट करना, स्टोर स्मूथ ऑपरेशंस। तो ओवरऑल जो अगर एक शब्द में बातें करेंगे, एक लाइन में बातें करेंगे, तो आपको पूरे स्टोर का जो ऑपरेशंस है वो आपको स्मूथ ऑपरेशंस वहां पर इंश्योर करना पड़ता है। लाइक आपको मैनेज ऐसे करना है कि आपके स्टोर बिल्कुल सही से चल रहा हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट काफी ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि उनका जो बिजनेस होता है वो पूरा का पूरा इन्वेंटरी के ऊपर बेस होता है। जितने भी सामान आते हैं लॉजिस्टिक से, उसको डिस्प्ले से लेकर सेल करने तक, वो सारा बिजनेस का ही पार्ट होता है। तो रिटेल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। कितना सामान आपके स्टोर के अंदर आ रहा है, कितना सामान आप इंट्री कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, और वो एंड ऑफ द मंथ कितना आपको शो कर रहा है, आपने कितना बेचा और कितना आपका वहां पर श्रिंक आ रहा है, यानी कि कितना आप वहां पर लॉस कर रहे हैं। ये सारे चीजें आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट काफी क्रिटिकल होता है दोस्तों। आपके स्टोर के अंदर बहुत सारे एसक्यूज होते हैं, 2000, 3000, 4000, 5000 एसक्यूज होते हैं। उन एसक्यूज का काउंटिंग मेंटेन करना काफी ज्यादा आवश्यक होता है, तभी कोई भी रिटेल का बिजनेस सक्सेस होता है या फिर प्रॉफिट में आता है। डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट ऑन शेल्फ। तो दोस्तों जो भी प्रोडक्ट आते हैं स्टोर के अंदर, वो स्टोर मैनेजर को इंश्योर करना है कि उसका टाइमली डिस्प्ले हो जाए, क्योंकि अगर आपका जो प्रोडक्ट आया हुआ है उसका अगर डिस्प्ले ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसका सेल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी आपके पास सामान आ रहा है उसका डिस्प्ले टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। जी हाँ दोस्तों, स्टोर मैनेजर को ही एसोसिएट की ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। स्टोर के अंदर आपको ही उन्हें ट्रेन करना है ताकि आगे चलकर आपके स्टोर का जो ऑपरेशंस है, जो आपका कैशियरिंग का काम है या फिर ऑन द फ्लोर काम है, वेट एंड मेजर का काम है जो कि टीम मेंबर्स करते हैं, सेल पे लगाना, उनका एक्सपायरी डेट चेक करना, ये सारे चीजों के ऊपर ट्रेनिंग देने होते हैं स्टोर मैनेजर को, ताकि उनका टीम मेंबर रेडी हो सके और वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्राइस टैग मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपके स्टोर के अंदर बहुत सारे सामान होते हैं तो उनका प्राइस टैग टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। जिन प्रोडक्ट्स के प्राइस चेंज हो रहे हैं वो आपको इंश्योर करना है कि वहां पर अपडेट हो जाए उनका प्राइस टैग, क्योंकि कस्टमर को कई बार डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है क्योंकि वो प्राइस कुछ और देखते हैं और पे कुछ और करना पड़ता है काउंटर पे। तो आपको प्राइस टैग यहाँ पर मैनेज करना है टाइम टू टाइम। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन विद वेंडर्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जो कि आपको डेली बेसिस पर फ्रेश प्रोडक्ट्स और इन्वेंट्री के रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मिल्क है, फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, उसके अलावा लाइक लोकल प्रोसेस्ड फूड होते हैं। तो ये सारे चीजों का आपको लाइक लोकली वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपको इन वेंडर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है ताकि इनके बिल वगैरह टाइम टू टाइम क्लियर होते रहे और ये आपको सप्लाई टाइम टू टाइम देते रहे। इन वेंडर्स को भी आपको लाइक स्टोर मैनेजर को ही इंश्योर करना है कि वेंडर्स अलाइंड हो प्रॉपरली और प्रोडक्ट का सप्लाई रेगुलर होते रहे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पीएलएन एंड ईबीटा मैनेजमेंट। तो पीएनएल होता है लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, ईबीटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बिजनेस का जो रिजल्ट होता है एंड ऑफ द मंथ, वो ईबीटा से पता लगता है कि आप कितना प्रॉफिट या लॉस कर रहे हैं अपनी बिजनेस में। तो स्टोर मैनेजर को इंश्योर करना है कि उनका बिजनेस अच्छे से हो, उनका जो कॉस्ट वगैरह है वो सारे कंट्रोल में रहे, जिससे कि ईबीटा में पॉजिटिव आए। बेसिकली जो है डबल फिगर में पॉजिटिव होना चाहिए ईबीटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि 10%, 11%, 12%। बेसिकली वैल्यू फॉर्मेट में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कम से कम
डबल डिजिट में ऑर्गेनाइजेशन का ईबिटा पॉजिटिव दे। तो ये होता है, लाइक आपको इंश्योर करना है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट है हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे चीजें होते हैं, तो उसके साथ साथ आपको कंप्लेंस भी आते हैं कस्टमर्स के, जैसे कि प्राइस टैग आपका अपडेट नहीं था, या फिर कैशियर वहाँ पर बिलिंग करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दिया, या फिर आपके प्रोडक्ट के कुछ क्वालिटी इश्यूज थे, ये सारे चीजों का कंप्लेन आता है। तो इंश्योरिंग ऑल ऑडिट्स ग्रीन। जी हाँ दोस्तों, इन्वेंट्री ऑडिट और एसओपी के ऑडिट्स होते हैं रिटेल स्टोर के अंदर, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के ऊपर है, ठीक है। तो ये दोनों ऑडिट्स आपको इंश्योर करना है कि यहाँ पर ग्रीन हो टाइम टू टाइम, क्योंकि इन दोनों ऑडिट्स के ऊपर आपके डैशबोर्ड को भी इफेक्ट पड़ता है, स्टाफ्स के इंसेंटिव्स को इफेक्ट पड़ता है, स्टोर मैनेजर एसएम डिपार्टमेंट मैनेजर के भी इंसेंटिव को इफेक्ट पड़ता है, और ओवरऑल आपका जो ईयरली परफॉर्मेंस होगा, ये सारे चीजें आपके ऑडिट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा जब आपका रिव्यू होगा ईयर एंड में, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, एग्जीक्यूशन ऑफ विजुअल मर्केंडाइजर। जी हाँ दोस्तों, स्टोर के अंदर बहुत सारे विजुअल मर्केंडाइजर होते हैं, तो उन चीजों का भी आपको इंश्योर करना है कि तो टाइम टू टाइम जो भी प्रमोशन चल रहा है उसके हिसाब से जो विजुअल मर्केंडाइजर है, वीएम प्रोडक्ट्स हैं, वीएम आर्टिकल्स हैं, वीएम मटेरियल्स जो आए हुए हैं, वो टाइम टू टाइम स्टोर के अंदर अपडेट हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको फॉलो अप लेते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर दोस्तों, कंडक्टिंग एक्टिविटीज एज पर हेड ऑफिस कम्युनिकेशन। जी हाँ, मेल के ऊपर बहुत सारे एसओपी चेंज होते रहते हैं कंपनी के अंदर, तो उसका आपको मेल आता है, तो मेल के हिसाब से आपको वो जो एसओपी आते हैं उनको आपको इंश्योर करना है कि टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है आपके स्टोर के अंदर, जो कि लेटेस्ट कम्युनिकेशन है उसके हिसाब से आपको एग्जीक्यूशन कराना है आपके स्टोर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आता है कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस टू इंक्रीज प्रॉफिट इन डबल डिजिट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे कंट्रेबल कॉस्ट होते हैं जो कि एक्सपेंसेस होते हैं स्टोर के अंदर, जैसे कि यूटिलिटी कॉस्ट है, वाटर की बिल है, बिजली की बिल है, ठीक है। उसके अलावा स्टोर के अंदर जो भी एक्सपेंसेस हैं, ये सारे एक्सपेंसेस आपको कंट्रोल करना है, जैसे कि बिजली की बिल आप विंटर के समय एसी को बंद रख के कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि विंटर में बेसिकली आपको उतनी एसी की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी कई बार लोग चला के छोड़ देते हैं, तो उसमें वहां पर आपका लॉस हो जाता है यूटिलिटी में। तो ये सारी चीजें जितना भी आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीजों को कंट्रोल करके आपको प्रॉफिट को बिजनेस को प्रॉफिट में लाना है, और इसका एक्सपेक्टेशन जो है कंपनी का जो टारगेट होता है वो डबल डिजिट में होता है, यानी कि 10% के ऊपर पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, गुड कनेक्शन विद सीनियर कैटेगरी मैनेजर्स एंड क्लस्टर मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, जो स्टोर मैनेजर होता है या एसएम होता है, उनको एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अपने सीनियर के साथ, क्लस्टर मैनेजर के साथ, या फिर रीजनल मैनेजर के साथ, ताकि एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ वो अपने स्टोर के जो भी ऑपरेशंस है उसको अच्छे से ऑपरेट कर सके, और एक अच्छा खासा वहाँ पर सेल्स का ग्रोथ देखा जा सकता है अगर सब मिलकर एक साथ अच्छे से काम करें, वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन अच्छी बने रहे, बॉन्डिंग अच्छी बने रहे, कम्युनिकेशन जो अच्छा बना रहे, तो स्टोर के अंदर परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूटी रोस्टर प्लानिंग ऑफ स्टाफ। जी हाँ, यहाँ पर ड्यूटी रोस्टर जो कि स्टाफ के डे टू डे वहाँ पर ड्यूटी रोस्टर है, जो कि उनके टाइमिंग है शिफ्ट टाइमिंग, वो भी वीकली या फिर मंथली स्टोर मैनेजर को इंश्योर करना है कि लाइक किस दिन किसको ऑफ देना है, किस दिन किसका क्या शिफ्ट होगा, वो भी स्टोर मैनेजर को मैनेज करना है। हायरिंग टीम मेंबर्स। जी हाँ दोस्तों, स्टोर के लिए जो स्टाफ होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, वो भी स्टोर मैनेजर को हायर करना है एज पर द कंपनी पॉलिसी। अगर आपकी स्टाफिंग जितनी भी है उसमें अगर कोई भी गैप आता है, कोई भी रिजाइन देके जाता है, तो वो गैप आपको फिल करना है, स्टोर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ एसओपीस एंड अपडेट्स इन द स्टोर। तो ये हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि जो भी एसओपीस होंगे कंपनी के, टाइम टू टाइम अगर कुछ अपडेट आता है तो वो आपको स्टोर के अंदर एग्जीक्यूशन कराना है, उसको 100% फॉलो कराना है। हैंडलिंग एग्रेसिव कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कई सारे आपके चैलेंजिंग कस्टमर भी होंगे, तो उनको पोलाइटली हैंडल करना है, और जो भी ऐसे चैलेंजिंग कस्टमर्स होंगे उनको आपको पोलाइटली हैंडल करके
एक अच्छा सा वहां पर आपको एक मैसेज देना है कस्टमर के लिए कि लाइक यू आर देयर टू ऑपरेट द बिजनेस, और आप ऐसे कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं ताकि ऐसे कस्टमर की वजह से दूसरे कस्टमर को कोई भी इफेक्ट ना हो, ठीक है, और आपका स्टोर का इन्वायरमेंट अच्छा बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंश्योरिंग मंथ टू मंथ एंड ईयर टू ईयर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक स्टोर चला रहे हैं तो आपको ना कि एक ही महीने का पॉजिटिव ईबिटा देना है, यहाँ तक कि आपको ये भी इंश्योर करना है कि मंथ टू मंथ मतलब पिछले महीने से नेक्स्ट मंथ में ज़्यादा प्रॉफिट देना है आपको, या फिर सेल बढ़ाना है, और इसी तरह से आपको फिर ईयर टू ईयर, अगर एक साल आपने मान लीजिए 2020 में आपने 50 लाख की बिजनेस किए, तो 2021 में आपको वहां पर 60 लाख या 70 लाख की बिजनेस करने हैं, तो आपको टाइम टू टाइम उसमें ग्रोथ रखना है पीरियड टू पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ बिग डे सेल इन द स्टोर। जी हाँ दोस्तों, रिटेल के अंदर बहुत सारे स्टोर हैं जो कि बिग डेज चलाता है, जैसे कि आप लोग अमेजोन पे देखते हैं, फ्लिपकार्ट में बिग डेज चलता है, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त का बिग डेज चलता है, उसी तरह वैल्यू फॉर्मेट में भी बिग डेज चलाया जाता है, फुल वैसा वसूल जैसे कि रिलायंस में चलाया जाता है, तो ये बिग डेज के भी आपको एग्जीक्यूशन कराने होते हैं स्टोर के अंदर, उसके प्राइस टैग, उसके प्रोडक्ट की डिस्प्ले, उसके जो भी प्रमोशंस हैं, जो भी बैंक ऑफर्स हैं, ये सारा आपको एक प्रॉपर वे में एग्जीक्यूशन कराना होता है स्टोर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों प्लान एंड मेंटेनेंस। जी हाँ, स्टोर के अंदर जितने भी लाइक टेक्निकल इक्विपमेंट वगैरह हैं, इन सब का प्लान मेंटेनेंस भी स्टोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, जैसे कि एसी है, लाइटिंग्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, फैंस हैं, ठीक है, डोर्स हैं, विंडोज हैं, ये सारे चीज़ों का जो मेंटेनेंस है वो भी सारा स्टोर मैनेजर को देखना है। कई सारी कंपनी में वहां पर कंप्लेन करने का एक फोरम होता है, एक एप्लीकेशन होता है, वहां पर आप कंप्लेन करेंगे तो वो आकर मेंटेनेंस कर जाएंगे, और कई सारे वैल्यू फॉर्मेट में लाइक आपको वेंडर से कोऑर्डिनेट करना है डायरेक्टली, और वेंडर आके आपके जो भी मेंटेनेंस से रिलेटेड चीजें हैं वो सही करके चले जाएंगे, उसका जो भी कॉस्ट आएगा वो आपके ईबिटा में बुक हो जाएगा, और वो आपके पीएनएल में दिख जाएगा कि आपने पूरे महीने में मेंटेनेंस के अंदर कितने पैसे लगाए हैं। तो दोस्तों ये था स्टोर मैनेजर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से काफी कुछ सीख पाए होंगे आप। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।